पटना जिले के चित्रकूट में 5 दिवसीय दीपावली मेले का आयोजन किया गया है। मेले के दूसरे दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री पहुंचे। श्रद्धालु तीर्थयात्रियों ने मंदाकिनी नदी में डुबकी लगाने के बाद कामदगिरी की परिक्रमा की। इसके साथ ही श्रद्धालुओं ने दीपदान भी किया। दूसरी ओर चित्रकूट आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर प्रशासन की भारी लापरवाही सामने आ रही है। 5 दिवसीय मेले में ना तो श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था के कोई इंतजाम किए गए हैं और न ही साफ सफाई, पेयजल और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की गई है, जिससे श्रद्धालु परेशान हो रहे हैं। जबकि प्रशासन ने मेला क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम करने की बात कही थी, लेकिन प्रशासन के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। जहां नगर परिषद प्रशासन ने मेला क्षेत्र में ना तो टेंट और छाया की कोई व्यवस्था की है और न ही अस्थायी शौचालय बनाए हैं, जिसके चलते भीषण गंदगी हो रही है। मेला अधिकारी SDMPS त्रिपाठी ने कहा कि सतना में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होने की वजह से पुलिस बल नहीं था, अब कई स्थानों पर तैनात किया जा रहा है। आप देखोगे कि पार्किंग के लिए हम लोगों ने बिल्कुल नज़दीक तक इस बार पार्किंग करने का प्रयास किया है। पिछली बार जैसे 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर पहले गाड़ियां रोकी जाती थी, इस बार जो सतना तरफ से आने वाले सारे श्रद्धालु जो है पूरी मुखारविंद से 200-300 मीटर की दूरी पर रोके जा रहे हैं 4 व्हीलर, और 2 व्हीलर तो पूरी मुखारविंद तक पहुँच रहा है।